मैं व्लॉगिंग छोड़ दूं, आप इस बात से एग्री हैं कि मैं व्लॉगिंग छोड़ दूं? देखो ना, अगर आप कहते तो मैं व्लॉगिंग छोड़ देती हूं, ठीक है? और आपने सारी आज का मेरा तो लास्ट व्लॉग है। हाँ जी, मैंने आपको हर जोड़ी क्या मतलब माय लास्ट व्लॉग, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर किसी बहन भाई को पता है कि कमर्शियल बिल कैसा होता है तो वो बराए मेहरबानी उनसे रब्ता करे और हमें बताए कि कमर्शियल बिल ऐसा होता है कि इसकी पहचान नहीं होती कमर्शियल बिल की, उसके ऊपर लिखा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, अस्सलाम अलैकुम, मैं हरम चैनल यूट्यूब चैनल वेली कुड़ी मीट करती हूं। आप लोग खैर ऑफिस होंगे, अपने घर में खुशहाल आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। जी फिर से दुआओं के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज। तो आपके शहरों में कैसी माहौल चल रहा है, ठीक है? कैसी सरगर्मियाँ चल रही हैं मुझे बताएं, ठीक है? ठीक है भाई, हमारे उकाड़ा में तो भाई अल्लाह की रहमत ही पड़ी है, अल्लाह की रहमत ही कह सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ठीक है ना? और काफ़ी लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी भी खुल के नहीं जी सकते अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी तो आने जाने चीज़ है, ठीक है? इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ख़त्म हो ही जानी। पता नहीं एक तो क्या मसला हो रहा है, ये सौंफ जैसे मच्छर आपने भी देखे हैं? ये क्या है? आपके घरों में भी है मुझे बताएं। हमारे घर में रात को इतने ज़्यादा मच्छर, ये जुनेद भाई ब्लॉगिंग का वीडियो बनाने के लिए बैठे थे, उनके ऊपर इतने मोटे मच्छर, सौंफ जैसे मच्छर, मैं समझी सौंफ इनके ऊपर पड़ी हुई है। जब उसे हाथ लगा के देखा तो ग्रीन कलर का शाइन मारता हुआ मच्छर, भी क्या बात है, कैसा किस किस्म का मच्छर था? तो ऊपर ना मान से पड़े में समझ नहीं आता भी सौंफ है ये मच्छर तब मच्छर खा गए होंगे। भाई ऊंचा बोले, क्या हो गया? मैंने तो मना कर दिया कि गर्मी गर्मी कोई ब्लॉगिंग नहीं करनी, बहुत गर्मी है, सच्चे पूछो बैठा नहीं जाता, लाइटर जला के पंखा बंद नहीं किया जाता, आपको हमारे चेहरे से पता नहीं लग रहा होगा कैसा सड़क उस गया गर्मी से, जल गए हैं वो, पीछे आपको गंजू दिख रहा होगा। मैं कह रही इतनी बुरी हालत हो रही है ना, इसकी कोई हद नहीं। बेटा मेरी तरफ से तो माजरत है, मैं तो व्लॉगिंग में नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी कि हम व्लॉग ही ना बनाएं। मना तुम लोगों को भी मना करूँ कि तुम लोग मम्मा डेली वर्क जरूरी होता है, घर से बाहर थोड़ी जाना, आप मेरी बात सुने, नहीं जाते तो नहीं, खैर जो प्यार करता है वो कभी भी छोड़ के नहीं जाता, ठीक है? पर एक बात है, जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे कि हमारी कोई शॉप है या हमारा सलून है, कुछ भी है या कोई भी हम वर्क करते हैं, अगर हम उस पर डेली वर्क करेंगे तो वो तभी ग्रो करेगा, है ना? जब हम उसे छोड़ देंगे, जैसे कोई पौधा भी है, हम उसमें पानी डालेंगे, उसकी केयर करेंगे तो वो बढ़ता फलता फूलता रहेगा, जब हम उसे छोड़ देंगे तो वहीं वहीं ग्रोथ रुक जाएगी, बल्कि दुगना मुरझा जाएगा, ठीक है? उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पता है हमने इतनी मेहनत कर ली, 7-8 माह की मेहनत कर ली है, और अब आके मैं 2 माह के लिए छोड़ दूँ, गर्मी को देख के हार मान जाऊँ, तो ये तो फिर बहुत पंगा है ना, है ना? अस्सलाम वालेकुम, भरपूर दुआओं के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने माँ बाप के साथ, अपने अपने भतीजे भाइयों के साथ, बेटा बेटियों के साथ, अपनी अपनी बीवियों के साथ, अपने अपने बहन भाइयों के साथ तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल होंगे। इसी के साथ, इसी गुफ्तगू के साथ हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो इस व्लॉग का जुमसा है, मेन मुद्दा ये है कि अम्मी जान जुमसा ना ये कह रही है, देख देखिए जरा अम्मी जान, 2 महीने ब्लॉगिंग छोड़ दो, 2 महीने ब्लॉगिंग छोड़ दो, 3 महीने चलो मम्मा क्या होगा, सितंबर के बाद तो सही हो जाएगा, नहीं अभी नहीं सही, गाना छोड़ देंगे, ब्लॉगिंग भी छोड़ देंगे, हमारा कहना हो गया बस। मुझे तो भाई बहुत गर्मी लग रही है तो मैं तो नहीं आऊँगी, तो फिर व्लॉग में मजा ही क्या, व्यूअर्स भी बताएंगे तो मम्मा के बिना व्लॉग में क्या मजा, बताओ मेरे व्यूअर्स से, मैं अपने बच्चे बच्चियों से भी माफी मांगती हूँ, मैं ना नवंबर में या अक्टूबर में आऊँगी, सबसे पहले आप कहाँ चली जाओगी, इनका हो जाए भला, मम्मा आपने कुछ कहती क्यों नहीं है, मेरे बाप की सड़क है नहीं इतने भयानक किस्म का साउंड निकालते जाते कि दिमाग घूम जाता है, भड़ने 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 बंदा आस्ता चला जाता है रोड पे, कोई बच्चे कोई भी, अल्लाह की कसम दिल करता है पाँव में से चप्पल निकालो रोड पे चला के मारो, इंसानियत के दायरे में मत चलाए, मोटरसाइकिल तेज चला रहे थे वो होते चबल मोटरसाइकिल किसी की मिली होती है कट्टे बसा दी कड़े के निकाल लो, जैसे निकालने की यूं जाएंगे। अच्छा वो जिसकी मोटरसाइकिल है वो नुकसान की भरपाई नहीं करेगा? नहीं, जब उसने देखना कि बेचारा मरा पड़ा तो उससे क्या भरपाई करेगा वो, नहीं मेरे जैसा हो तो मैं तो कहूँ रख, अच्छे रख, हम तो खाते हैं
अम्मी ब्लॉग भी अच्छे रखो, बीच में आओ ब्लॉग के। नहीं भाई मैं नहीं आई, आने का मेरा तो लास्ट ब्लॉग है। हाँ जी मैंने आपको हार जोड़ के क्या मतलब माय लास्ट ब्लॉग? नहीं मैं तो तुझे भी मना कर रही हूँ माँ, मैंने वही कहा कि हम एक पौधा होता है ना उसमें हम पानी डालते रहेंगे तो तभी वो फले फूले कटे, छोड़ देंगे क्या बनेगा? ये पौधा तो इतना फूल गया और ऊपर धूप पड़ने से सड़ गया। मैं इस पौधे की बात नहीं कर रही, मैं अपने YouTube चैनल की बात करी, जब इसे छोड़ दूंगी तो लोग फिर भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। क्यामत आ गई दोबारा, अभी तो गर्मी आनी है ना, तो मेरे तो इतने बड़े पौधे उग जाएंगे जैसे इंशाल्लाह। मेरे को जानता नहीं है इंशाल्लाह। सॉरी नहीं मैं कुछ और सोच रही थी, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। नहीं नहीं मैं ना पता क्या कहने लगी थी, मेरी बात सुनो। सॉरी अच्छा बात सुने, मैं पता क्या कह हमारे पास है पर सिर्फ देखने काबिल है, सिर्फ देख सकते हैं। हमसे दो साल से चलाने का तो हमने सोचा ही नहीं ना कि हमसे चलाए या ना चलाए। यार हमें पता नहीं चल रहा कि कमर्शियल मीटर कौन सा होता है और ये हाँ ये बताएं, मुझे लग रहा है हमारा मीटर कमर्शियल अगर किसी बहन भाई को पता है पाई हुई है पकड़े हैं। अगर किसी बहन भाई को पता है कि कमर्शियल बिल कैसा होता है तो वो बराए मेहरबानी उनसे रब्ता करे और हमें बताए कि कमर्शियल बिल ऐसा होता है कि इसकी पहचान नहीं होती कमर्शियल बिल की, उसके ऊपर लिखा होता है इतना इतना सारा बिल आ रहा है बगैर एसी चलाए 28,000 रुपया लोगों को 5-6-7,000 में होल पड़ जाते हैं। मेरा बच्चा अगर हम तो बिल देख के भुन गए, क्या निशानी है कमर्शियल, सज्जी बन गई हमारी बिल देख के कमर्शियल बिल और दूसरे कुंडी बिल अच्छा मामा नहीं मैं सच में ऐसी कह रही थी कि मैं इंशाल्लाह हम इसे अगले साल लाजमी चलाएंगे इंशाल्लाह का तो वो है ना मैंने सलाम कर पीछे बस तामीज भाई हरा मच्छर मेरे नाक में चला गया बहुत ज्यादा हो रहे शौक जैसे मच्छर, बल्कि मैं सोच रही थी कल मैं हलवा बना लो जी, बल्कि मैं कह रही हूँ सौंफ और पुदीने का पानी पका के दूँ आपको। बालक के साथ मम्मा बच्चा को व्यूअर्स को नहीं पता लगेगा बालक बालक बेटा यानी कि मेरी जुबान में मैं बालक बच्चे को करती छोटे से, वैसे तो हम भी आपके बालक दिमाग खराब हो गया ना पता ही नहीं लगता हम क्या बोल रहे हैं, बोलना कुछ चाहते बोल को छोड़ देते हैं। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ, मैं कुछ भी बोलना चाहती बोल को छोड़ देती हूँ। दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ माँ के जिसम पर छाले गिरने की, नहीं ऐसी बात नहीं मम्मा, मैं ऐसी की कहना चाह रही थी कि इंशाल्लाह हम अगले साल लाजमी ऐसी क्या हो रहा है मेरे फोकस नहीं अगले साल। आप बताओ कहाँ गया दिमाग, व्लॉग नहीं बनाने के बारे में सोच मैं ये कहती कि हम अगले साल ऐसी लाजमी चलाएंगे ताकि आप तसल्ली से व्लॉगिंग कर सके। मीटर चलाओ के क्या मसला, क्यों नहीं आ रहा, ये कुंडी मीटर है के बिल है या कौन सा बिल भाई है, कमर्शियल बिल हाँ जी क्या हुआ आपके साथ क्या हुआ? ये जो सा मेरा अंगूठे का नाखून नहीं निकला था हाँ। ये हर साल इन दिनों में आकर ना खाम खा खुद खुद ही ना जो सा यहाँ से हरा हो जाता है। अच्छा वैसे ना मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे बड़े प्यारे से, मम्मा के भी अपने के भी, हम व्लॉगिंग बनाएंगे व्लॉगिंग करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो भाई इतनी गर्मी है ना भाई चुन्नी भी लेने को दिल नहीं करता, मैं चुन्नी उतार के फेंकने लगी हूँ। हाँ जी हाँ वैसे आज अगां का आचा मुर्गा जो हुआ ये करो मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हारे नेक नसीब बच्चे करे कि अल्लाह मियां बिल नहीं कम आ रहा तो हवाई छट्टी चला, आमीन सुम्मा आमीन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ जी तो लाजमी आने आपने
बात सही नहीं कह रहा हूँ अटल, और जो मैंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया। क्या बोल दिया तो बोल दिया। नहीं तो अम्मी व्लॉग में नहीं आ रही। तूने तो कह दिया भाई, ये लपेटा लपेट के फिर से नहीं बैठा रहता, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, टेंशन नहीं पड़ता, गर्मी नहीं पड़ता, क्या टेक्निक लगी हुई भला। अच्छा कमेंट्स विनोद भाई, पकड़ के डाले एक मिनट, ठंडे पानी की बोतल में पकड़ के बैठ गया करना, और जो इंशाल्लाह डीलर बता देगा तो कम ठंडक ले लूंगी मैं बाद में, बाद में फिर वैसे का वैसे आपको करके दिखाऊंगा ना एक्सपेरिमेंट, कमेंट कर लो फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा जी कमेंट आए हैं आज के मदीहा निसार की तरफ से, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, रिजक दे, बरकत दे, इतना रिजक दे जितना समंद्रों में पानी हो। आमीन आमीन। अल्लाह पाक बेटा आपके घर में भी ऐसी रवानी करे और आपको भी खुशियाँ दे और दिल की सब मुरादें पूरी हो। आमीन। और रबिया खान की तरफ से रबिया खान आपा की तरफ से आया, अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी तोबा कबूल फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा लगा देख कर के आपके शहर में भी बारिश हुई और आप लोग सुकून, आप लोगों को सुकून आया मालिक का। दस पंद्रह मिनट का उसके बाद वो बड़ा सुखी, वो बड़ा सुखी के दिमाग के कीड़े भी सारे बाहर निकल आए। मारिया खान बलोच की तरफ से मैसेज है, जुनेद भाई बहुत खूबसूरत गाते हैं आप, मासूम मौसम का मजा दुबाला कर दिया आपने। आंटी आप अपना ख्याल रखा करें, आपको देखकर हमें बहुत हिम्मत मिलती है। देखो तीन चार महीने में अपनी ड्यूटी का ख्याल रखूंगी जरा। मम्मा सर्दी आज की 2 महीने बाद तो मैं थोड़ा सा इधर को के बैठूंगी, गर्मी से नहीं हो जाऊंगी इंशाल्लाह। मैं अपने बच्चों को एक महीना बल्कि 15 दिन है, सिर्फ 3 महीने, सिर्फ 3 महीने। अच्छा जी आगे क्या नाम है, फरवा आतिफ की तरफ से, वालेकुम अस्सलाम प्यारी फैमिली को बहुत सारा प्यार, अल्लाह पाक आपके आंगन में बहुत खुशियां दे। आमीन सुमा आमीन। वैसी छोटी छोटी सी खुशियां दे। सच में अम्मी जी मैं भी बहुत रोई आज गर्मी से, जुनेद भाई मेरा फेवरेट सॉन्ग आज आपने गाया, मज़ा आ गया बेटा, हुई ना रोना आया ना गर्मी से, ये सलाम कर रखने का। थैंक यू थैंक यू। मैं भी बहुत वही इतना गर्मी से दिल परेशान हुआ, इतना जिसकी कोई हद नहीं, कसम से दिल करा था पढ़ा छोड़ के बाद में उम्र ही चली जाओ, मगर मजबूरी है निके निके से छोड़ के आपसे। आबिद उमैर की तरफ से है जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी आज पहला व्लॉग, आज पहला लाइक मैंने किया है और आप मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, मेरा नाम मोमिना है, मैमूना बेटी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, नसीब का अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत डाले, अल्लाह पाक आपको बहुत ढेर सारी जिथे पैर होते हैं। मैं आपके ब्लॉग बहुत शौक से देखती हूँ, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी, ये मैं बोलना ही कह रही थी, आपका नाम ले लिया मेरी बहन, आपके कमेंट्स का मैंने जवाब दिया, आपका शुक्रिया अदा करा और जितना गुस्से हो सका मैंने आपके लिए दुआ। अमरीन निसार खान सिस आपने जो बड़ा घेरा करा मच्छर, हाँ आपने जो 12 इमाम के चिराग घर में जलाने की बताया है, जलाने का बताया है घर रोशन करते किस तरह करें बता दें बेटा। वो पहली बात तो ये कि चिराग जलाना नहीं कहते, चिराग रोशन करना कहते हैं और पंचन पाक के नाम के चिराग रोशन किए जाते हैं। अगर आपने कोई मुराद माननी है या कोई भी आपकी हाजत है, पहले 2 रकात नफल हाजत पढ़े, नमाज पहले आप पूरी पढ़ लें, उसके बाद 2 रकात नफल हाजत पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने
ये जो भी आपने मांगना मांगे, जब आपकी मुराद पूरी हो जाए इंशाल्लाह तो आप पंतन पाक के नाम के पांच चिराग रोशन घर पे भी रोशन कर सकती हो। बाम बार का नहीं जा सकती हो तो अपने घर में बैठ के रोशन कर सकती हो। और जी अस्सलामुअलैकुम प्यारी मेरी प्यारी फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन। डियर सिस, आप फूड चैलेंज भी किया करें। अभी तो हमारे से एक रोटी नहीं गली जा रही। थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, चूल्हे के आगे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिनाहिल की प्यारी फैमिली को मिनाहिल का सलाम। और वालेकुम सलाम। मिनाहिल ने बोला कि मेरी आपा को ब्लॉग पर कमेंट कर दो। हीरा आपी, आज आपकी प्यारी मिनाहिल भी ठीक नहीं है। ओए 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 ओए। मैं मिनाहिल की कजन मिरहा हूँ। अच्छा अच्छा। हीरा बेटा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मिनाहिल का पैगाम मुझ तक पहुँचाया। अल्लाह पाक मेरी मिनाहिल को सेहत मेरी बहन को सेहत याब करे। अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, खुश रखे, जल्दी जल्दी ठीक होके उससे बात करें, कमेंट्स करें, आपको जवाब दें। जल्दी से मेरी मुनाहिल मेरे पास वापस आ। आपको जल्द से जल्द ठीक करे, आपकी तबीयत खराब है, बुखार है, ख्याल करो। गर्मी का बुखार है। ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल करो। जितनी गर्मी पड़ रही है ना, नमकियात जिस्म में से खत्म हो जाती है, तो कुछ शिकंजवी पिया करें। हां ये लाजमी पियो। नमक आप क्या कर रहे हो? क्या करूं, मेरे ना सिर में भी आग लग रही है गर्मी की वजह से। नहीं अभी ये गर्मी को महसूस करोगी तो लगेगी। अच्छा जी, बनाना इंशाल्लाह ब्लॉग में लेकर आए। मामा को ये नहीं लेके आप हमें बताना लाजमी, ठीक है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूँ 2 माह के लिए, या फिर क्या मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूँ। आप इस बात से एग्री हैं कि मैं व्लॉगिंग छोड़ दूं? देखो ना, अगर आप कहते हैं तो मैं व्लॉगिंग छोड़ देती हूं, ठीक है? और आपने सारी सिचुएशन सारी बातें आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बतानी। अगर आप कहते हैं तो मैं व्लॉगिंग छोड़ दूं, तो क्या कैरी ऑन रखनी चाहिए, क्या कैरी ऑन रखनी चाहिए या व्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए, मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है? तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, हम एक दूसरे से बार बार मिलते रहे। इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।